उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जब पहले खत्म हो गया कहाँ से? सर ट्रांसफर पोस्टिंग की बनी है आपकी, उसको आप कई जो शिक्षा संगठन के लोग हैं या कई जो MNCs भी हैं जो शिक्षा संगठन से उनका विरोध है, उनका कहना है कि ब्लॉक में किया जाए। आप डिवीजन की बात कर रहे हैं, वो ब्लॉक की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो नहीं, बहुत पहले हमने कहा था, इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ शिक्षक संघों से और शिक्षकों से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, हर मुद्दे को नज़र रखते हुए। जो भी शिक्षक हैं वो तो अपने ज़िले में ही रहेंगे, और हम लोगों ने बार बार यही कहा है, जो महिलाएं हैं पंचायत के बाहर हैं और जो पुरुष हैं लेकिन सब डिवीज़न के बाहर और उसी ज़िले में। और दूसरी बात यह है कि जो हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर हैं या फिर कोई असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो उन लोगों को चॉइस की पोस्टिंग दी जाएगी, तो इससे अधिकांश जो शिक्षक हैं मेरे ख्याल से संतुष्ट हैं। लेकिन हर संगठन में और हर महकमे में कुछ लोग होते हैं कि वो कमियां निकालते हैं, त्रुटियां निकालते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने एक एपलेट अथॉरिटी को भी रखा है कि इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई कमी लगती है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में जो कमेटी है या फिर डिविजनल कमिश्नर के स्तर पर जो कमेटी है या फिर मुख्यालय में सेक्रेटरी के लेवल पर जो कमेटी है उस मामले को पुनः देखेगी। तो हम लोगों ने काफ़ी उदार रखा है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को, और अन्य जो भी सुविधाएं हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को दें। और हम लोग का शिक्षकों का या विभाग का सभी का तो फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई कैसी करवाते हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता कितनी है, सिलेबस क्या है, रिजल्ट्स क्या आते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, उनका प्लेसमेंट क्या है। तो इन सब बातों पर ज़्यादा गौर करना चाहिए, और 100% सेटिस्फैक्शन तो किसी भी पॉलिसी से किसी को नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं अधिकांश शिक्षक और शिक्षिका इससे संतुष्ट है। तो आगे पढ़ता है कि आगे अगर संशोधन करने की बात आ रही है, ऐसी कोई बात भी तो आप जरूर करेंगे। यहाँ तक कि मैंने कल भी कहा था कि एक्ट भी जो पास होते हैं पार्लियामेंट से या असेंबली से या विधानमंडल विधान परिषद से, समय के अनुसार आवश्यकता अनुसार अमेंडमेंट्स होते हैं। लेकिन ये इसलिए हमने कहा कि अभी हम लोग ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद लाया है, इसको एक बार क्रियान्वित होने दीजिए और फिर देखते हैं। लेकिन जैसा हम लोगों को फीडबैक मिला है कि बाई एंड लार्ज लोग इससे संतुष्ट हैं। सर, नियोजित शिक्षक तो हाईकोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। पहले तो नियोजित शिक्षकों को इतनी सुविधा दी जा रही है कि जिन्होंने सक्षमता पास की वो शीघ्र सरकारी सेवक बनेंगे, तो इससे बड़ा लाभ उनको और क्या हो सकता है। सर, क्लास 1 to 5, 6 to 8 का सर उस पर रोस्टर पे क्या डिसीजन, क्या विभागीय मंत्री हैं, क्या आज वो आने की उम्मीद है, क्या रोस्टर? हमको लगता बहुत क्लियर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बीच में रिजर्वेशन पॉलिसी में माननीय उच्च न्यायालय के कारण जो आदेश था उसके कारण फिर उसमें चेंजेस लाने पड़े। उसका रोस्टर टाइम नहीं, सभी अब तो वो सामान्यतः जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था इसके अगेंस्ट में तो अपील में सरकार गई हुई, लेकिन तत्काल तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वही माने रखता, तो उसी पर हम लोग। बिहार में जुलाई के महीने में दिव्यांग छात्रों के लिए जो आप लोगों ने स्पेशल परीक्षा ली थी, जो 7,000 से ज़्यादा पद है उसकी रिजल्ट आ चुकी है, पात्रता परीक्षा का। शिक्षक की बहाली क्या प्रक्रिया होगी? क्या किसकी नाट्य शिक्षक के लिए इतना अभी उस पर कोई विचाराधीन नहीं। सर, BPSC TRE 3 को लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आपकी नहीं, हमने कहा जो कमीशन को निर्णय लेना है कमीशन लेंगे। थैंक यू। चलिए, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।